Please like, share and subscribe to our channel Vimoos World, and don't forget to press the bell icon to receive notifications. घर पर इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ये सामग्री: 1 किलो पेपर मैशी, पानी, ब्रश, मिट्टी की मूर्ति बनाने में उपयोग होने वाले औजार या चाकू जैसा कोई औजार। सबसे पहले आप पेपर मैशी मिट्टी को लें और इसे तब तक गुथें जब तक वो आपके हाथों में चिपकना बंद न कर दे। पेपर मैशी है, इसमें मुख्य रूप से 70% तक पेपर की लुगदी होती है, उसके बाद चॉक पाउडर उसमें मिक्स होती है, प्राकृतिक गोंद मिक्स होता है और पानी से उसे गूथा जाता है सभी को मिलाकर। अब इस गुथी हुई मिट्टी के 3 बराबर भाग बांट लें। अब इनमें से पहला भाग गोल कर लें, जिसके 2 बराबर हिस्से करें। पहले हिस्से से हमें बेस बनाना है और बेस बनाने के लिए उस हिस्से को गोल लड्डू का आकार दें, फिर उसे हल्के हल्के हाथों से दबाकर चपटा कर दें। इसकी मोटाई लगभग 0.5 मिलीमीटर तक हो और पूरे गोले की चौड़ाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसके दूसरे भाग को लेकर उसको अंडा आकार दें। इस अंडाकार भाग से गणेश जी का पेट बनाया जाएगा। अब दूसरा बड़ा गोला लें और इसे 4 बराबर भागों में बांटें। इनसे गणपति जी के 2 हाथ और 2 पैर बनाए जाएंगे। हाथ और पैर बनाने के लिए सभी हिस्सों को एक एक करके पाइप का आकार देना है और बाद में इन्हें किसी भी एक तरफ से पतला कर देना है। ये लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर के बनेंगे। ये 2 हाथ रहेंगे, 2 पैर रहेंगे। इन सभी को वी के आकार में बीच से मोड़ लें। अब जितना बन गया है उसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले बेस को बोर्ड के बीचों बीच रखें। इसके ऊपर पैरों की बनाई आकृति को आलती पालती की मुद्रा में रखें। अब पैरों के ऊपर वो अंडाकार भाग रखें जो हमने पेट के लिए बनाकर अलग रखा है। अब हमें मूर्ति में हाथ लगाने हैं। दोनों हाथों के ऊपर से जहां से वो मोटे हैं वहां से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल लें। इनसे 2 छोटे छोटे गोले बनाकर उन्हें पेट के सबसे ऊपर लगाएं। ये उनके कंधे बनेंगे। अब हाथों को इससे चिपका दें। हाथों की लंबाई मूर्ति के आकार के अनुपात में होनी चाहिए। दूसरे हाथ में आगे प्रसाद वाली मुद्रा रखें। गणपति जी के सीधे हाथ को आगे से थोड़ा सा मोड़कर आशीर्वाद की मुद्रा बनाएं। अब तीसरे गोले को लें, इससे भी 4 बराबर भाग करें। इनमें से 1 भाग को लें और इसमें से थोड़ी सी मिट्टी निकालकर इससे गर्दन बनाएं। बाकी बचे मिट्टी को गोल आकार दें, ये गणपति जी का सिर बनेगा। अब पेट के ऊपर गर्दन और उसके ऊपर सिर के आकार को जोड़ दें। अब दूसरा हिस्सा लें और उसे सूंड का आकार देकर सिर से जोड़ दें। बाद तीसरा हिस्सा लें, रोटी की तरह चपटा कर लें
और बीच से काट कर इसके दो भाग करें। ये दोनों भाग गणेश जी के कान होंगे। अब इन दोनों का गोल वाला हिस्सा सिर से चिपकाएं और कानों का आकार दें। अब इसी का दूसरा हिस्सा लें और उसे कोन का आकार दें। इस तरह से गणेश जी का मुकुट तैयार होगा। अब चौथे हिस्से को लेकर उससे थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें, जिससे गणेश जी के दांत बनाए जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गणेश जी के सीधे हाथ की ओर वाला दांत पूरा होगा और बाएं हाथ की ओर वाला दांत थोड़ा छोटा होगा। इतना जब बन जाए तो आप ब्रश से एक बार उसमें पानी लगा के सब दूर से गीला कर लीजिए थोड़ा सा। फिर आपके घर में जो भी टूल्स, चाकू की तरह कोई भी अगर टूल्स मिलता है तो उससे पीछे से आपके गणपति में बहुत सारे गैप्स दिखते हैं, उसे आप कवर कर लीजिए। किसी भी टूल से आप हाथ में उनके उंगलियों की निशान बना सकते हैं। ठीक है, आपको चार लाइनें बनानी होगी, वैसे ही आपको दोनों हाथों में करना है। पैर के यहाँ पे थोड़े से सर डाल के आप धोती का शेप भी दे सकते हैं उन्हें। अब आंखों की जगह पे आप तुअर दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तिलक के स्थान पे आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बची हुई मिट्टी से चूहा बनाएं। मिट्टी का एक छोटा सा गोला लीजिए, उसके तीन भाग करने, एक छोटा हो और दो बराबर आकार के। अब एक गोले को अंडाकार आकार देना है इस प्रकार से। ये बनेगा चूहे का पेट। अब आपके पास जो दूसरा गोला बचा है उसको अपन दो भागों में बांटते हैं, का भी एक अंडाकार आकार आपको बनाना है और इसे चूहे के मुंह का आकार देना है, आगे से थोड़ा सा पतला। इसको पेट वाले हिस्से के साथ जोड़ देना है। अब आपके जो बचा हुआ भाग था उससे अपन इनके दो कान बनाए, दो छोटे छोटे गोले बनाए और उन्हें दबा दिया। इन दोनों कानों को इस प्रकार से चिपका देना। तो इस तरह से आपके इको फ्रेंडली गणेश जी तैयार हो जाएंगे। अपने हाथों से बनाए गए इको फ्रेंडली गणेश जी की इस मूर्ति को 2 से 3 दिन छाया में सुखाएं। इसे धूप में नहीं सुखाना है। जब ये मूर्ति सूख जाए तो आप अपने अनुसार इसमें रंग भर सकते हैं।